भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद पार्टी से निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन यह आग अभी भी बुझती नहीं दिख रही है। और अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोदी संघ और भाजपा पार्टी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है योगी जी ने कितने बार धर्म के आधार पर नफरत वाले बयान दिए हैं, क्या बीजेपी उसको भी उन्हीं में गिनेगी। इस देश में नफरत की आग पूरे देश में फैल रही है। पहले पत्थरबाजी केवल कश्मीर के कुछ हिस्सों में हो जाया करती थी, आज पत्थरबाजी की घटनाएं भारत में जगह जगह होने लगी है। ये स्थिति और भी बिगड़ेगी क्योंकि ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा है कि गलत बोले हैं ये। प्रेस स्टेटमेंट से क्या होता है? अगर फ्रिंज एलिमेंट की बात करते हैं तो कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धर्म के आधार पर नफरत के बयान दिए, क्या उनको भी आप फ्रिंज एलिमेंट की श्रेणी में डालेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं नड्डा जी से और भारतीय जनता पार्टी से और भारत सरकार की के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के उससे कि फ्रिंज एलिमेंट की परिभाषा बताइए, ये फ्रिंज एलिमेंट होता क्या है? खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।